वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानून के बारे में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है उसको सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें, जिससे आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। आज बात करेंगे 499 IPC के बारे में, मानहानि के इस पूरे कानून पर आपको मैं इस वीडियो में समझाऊँगा, लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मानहानि किस प्रकार से होती है, अगर कोई भी व्यक्ति प्रतिष्ठित व्यक्ति उसके खिलाफ आप आपत्तिजनक टिप्पणी करना, उसके खिलाफ गलत व्यक्तित्व करना, उसके प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, ये मानहानि के दायरे में आती है। उसके खिलाफ मानहानि का केस आप सिविल कोर्ट में दायर कर सकते हैं। मानहानि कोई भी व्यक्ति अपमानजनक उसको पत्र भेजना, उसके खिलाफ किसी भी अफवाह फैलाना, उसके खिलाफ कुछ इस प्रकार की बातें करना जिससे उस व्यक्ति को आघात पहुंचे, उस व्यक्ति की मानसिक प्रभाव पड़े, उस व्यक्ति को इस जो भी कोई कारोबारी हो उस व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचे, प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मानहानि का केस दायर कर सकते। मान लो कोई व्यक्ति अगर बिना कारण बिना तथ्य के किसी भी व्यक्ति XYZ किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अनर्गल बातें, अफवाह फैलाना, उसके खिलाफ टिप्पणी करना, उसके खिलाफ कुछ लाचन लगाना, उसके खिलाफ कुछ भी इस प्रकार की मतलब बिना तथ्य के कुछ किसी भी व्यक्ति पर आप आपत्तिजनक बातें कहना, उसके खिलाफ अफवाह फैलाना, झूठी अफवाह फैलाना, तो ये मानहानि के दायरे में आता है। जिस प्रकार उदाहरण के तौर पर मान लो आप किसी भी दुकानदार के पास सामान लेने जाते हो, अगर वो व्यक्ति ज़्यादा रेट लगाता है या गलत सामान बेचते हैं, तो आप उसकी किसी भी व्यक्ति को अगर शिकायत करते हो, किसी व्यक्ति को ये कहते हो कि इस दुकानदार से आप इस सामान मत लेना, तो वो मानहानि के दायरे में नहीं आती। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को ये कहता है कि ये डाकू का बेटा है, ये बदमाश है, जत्यारा है, इस प्रकार की बिना तथ्य बिना वजह अगर उसके बारे में इस प्रकार का कोई सबूत नहीं है, तो उसके बारे में अपन को ये जो चीज़ें मैंने कहा वह मानहानि के दायरे में आती है। अगर वो व्यक्ति चाहे तो उन व्यक्तियों के खिलाफ मानहानि का केस सिविल कोर्ट में दर्ज कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार की बातें किसी भी बिना तथ्य के अपन किसी भी दूसरे व्यक्ति के मानसिक या उनके प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ये मानहानि के दायरे में आती है। अगर कुछ इस प्रकार की बातें जो सरकार किसी व्यक्ति को बचाने में सहायक हो या सरकार को अवगत कराए इस चीज़ से, तो वो मानहानि के दायरे। मान लो किसी, मैंने अभी उदाहरण के तौर पे कहा कि कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो उसको अवगत कराना, वो मानहानि के दायरे में नहीं आता। लेकिन किसी व्यक्ति को बिना वजह उसकी प्रतिष्ठा, बिना वजह उस व्यक्ति को अपमानित करना, उस व्यक्ति की अफवाह फैलाना, पूरे समाज में उसका दुर्व्यवहार करना, उस व्यक्ति को अपमानित करना, ये सारी चीज़ें मानहानि में आती हैं। और अगर इस प्रकार का आपको कृत्य करता हुआ पाया जाता है, तो वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल कोर्ट में जा सकता है, और सिविल कोर्ट में अगर कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति के बयान के आधार पर केस दर्ज कर सकती है, अन्यथा कोई दो एविडेंस भी उनको कोर्ट में पेश करना पड़ सकता है। उसके बाद में सिविल कोर्ट में कोर्ट द्वारा उन व्यक्तियों के खिलाफ, जिस व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने मानहानि दर्ज कराया, उन व्यक्तियों के खिलाफ नोटिस जारी होते हैं। और जिस प्रकार आपने देखा होगा अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल, सुब्रमण्यम स्वामी, मतलब बहुत सारे बड़े बड़े व्यक्ति हैं, उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज हुआ था, उन्होंने माफ़ी मांगना पड़ी। और इस प्रकार के मानहानि के केस अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ दर्ज हो जाता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ उस व्यक्ति को 2 साल की सजा हो सकती है और आर्थिक दंड भी हो सकता है। अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ किसी रंजिश की वजह से अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का मानहानि का केस करता है, या उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की वजह से अगर मानहानि का केस करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ वो व्यक्ति बरी होने के बाद उन व्यक्ति से कंपनसेशन ले सकता है, उस व्यक्ति के खिलाफ भी केस कर सकता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बुरे शब्द ना कहे बिना तथ्य के, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार के सबूत हैं, तो आप बिल्कुल उस व्यक्ति के बारे में कह सकते हैं, उस
व्यक्ति के खिलाफ आप जा सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार कुछ भी सबूत नहीं तो आप किसी भी व्यक्ति के खिलाफ उस व्यक्ति की मानहानि नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को पूरे समाज में या पूरे गांव में उस व्यक्ति को अपमानित नहीं कर सकते। अगर दोस्तों इस प्रकार आप अपने इस वीडियो को पूरा देखें और आप भी कुछ समझे, किसी भी व्यक्ति के बिना ठोस सबूत के किसी भी व्यक्ति को अपमानित न करें, न ही उस व्यक्ति की अफवाह फैलाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें और इससे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।